महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों मुंबई पुणे के बीच 1 जून 1930 को डेक्कन क्वीन गाड़ी का शुभारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो बाद में मध्य रेलवे बनी, के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। क्षेत्र के दो प्रमुख शहरों को सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्य रेल पर शुरू की गई ये पहली डिलक्स गाड़ी थी और इसे पुणे के नाम से जाना जाने लगा। इस गाड़ी को क्वीन ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है। आरंभ में इस गाड़ी को 7 डिब्बे के 2 रैकों के साथ चलाया गया, जिनमें से एक रैक को स्कारलेट मोल्डिंग सहित सिल्वर कलर में पेंट किया गया था तथा दूसरे रैक को गोल्डन लाइन के साथ रॉयल ब्लू कलर में पेंट किया गया। मूल रैकों के डिब्बों के अंदर फ्रेम्स का निर्माण इंग्लैंड में किया गया था, जबकि डिब्बों का निर्माण GIP रेलवे के माटुंगा कारखाने में किया गया। 92 सालों से डेक्कन क्वीन यात्रियों को सुविधाएं देने का काम कर रही है। दो प्रमुख शहरों में ये डिलक्स की ट्रेन जो है पहली ऐसी डिलक्स ट्रेन है जो रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात और भी अच्छे तरीके से देने जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये डेक्कन क्वीन, जिसे दक्षिण की रानी कहा जाता है। देश की आज़ादी के पहले से ही यह ट्रेन जो है रेल यात्रियों को सुविधाएँ दे रही है। पहले 5 से 7 कोचों की यह ट्रेन अब कुल 17 कोचों में तब्दील हो गई है। 17 कोच के साथ साथ इस नए कोच के अंदर जो बनाए गए हैं उसके अंदर रेस्टोरेंट की सुविधाएं हैं, जिसमें 32 टेबल जो है वो तैयार किए गए हैं। और जब रेल यात्री जब यहां पर आएंगे, इस रेल का सफ़र करेंगे, जब मुंबई से पुणे की ओर जाएंगे, तो उन्हें जब जो सीट की जो कंफर्टेबिलिटी रहेगी वो बहुत अच्छे तरीके से महसूस होगा, क्योंकि इसमें जो पहले जो सीटें थी वो कम थी, अब इसके अंदर 78 सीटें बना दी गई हैं। अब 4 से 5 जो ऐसी नई सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आरामदायक सफ़र यहाँ पर कर सकते हैं। और इसकी फ्रेमिंग अगर आपको बताएं, तो इसकी फ्रेमिंग है वो ब्रिटिश के समय से थी, इंग्लैंड से इसकी फ्रेमिंग की गई थी, तो कहीं ना कहीं इसकी जो फ्रेमिंग बोले तो बहुत ही पुरानी तरीके से है और बहुत ही इसकी रॉयल जो कलर है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो एक तरीके से कहें जो वर्षों से ये चल रही है ट्रेन, अब आज से जो बोले तो नए यात्रियों के लिए एक नई सौगात है। अब आने वाले समय में यात्रियों को ये और नए तरीके से ये लोगों को सुविधा देने का काम करती नजर आएगी। डेक्कन क्वीन में शुरुआती दौर में केवल प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के डिब्बे लगाए गए थे। प्रथम श्रेणी के डिब्बे 1 जनवरी 1949 को हटाए गए तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों को प्रथम श्रेणी के रूप में पुनः डिजाइन किया गया, जिन्हें जून 1955 तक चलाया गया। बाद में इस गाड़ी में पहली बार तृतीय श्रेणी के डिब्बे लगाए गए। इन डिब्बे को अप्रैल 1974 से आगे द्वितीय श्रेणी के रूप में पुनः डिजाइन किया गया। मूल रेकों के डिब्बों को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर द्वारा निर्मित एंटी टेलीस्कोपिक स्टील बॉडी इंटीग्रल कोचों द्वारा 1966 में बदला गया। आरामदेह यात्रा तथा आंतरिक फर्निशिंग और फिटिंग में सुधार के लिए बोगियों के उन्नत डिजाइन हेतु इन डिब्बों को शामिल किया गया। अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए डिब्बों की संख्या 7 से बढ़कर 12 की गई। पिछले कुछ वर्षों में इस गाड़ी में लगाए गए 3 डिब्बों की संख्या 17 डिब्बों की मौजूदा स्तर तक लाई गई। सबसे पहले जब यह ट्रेन चालू हुई थी तो 7 कोचेस के साथ चालू की गई थी। बाद में इसमें कोचेस की संख्या बढ़ा के 12 हुई। 90s में इसमें जो कंप्रेस्ड एयर ब्रेक वाले कोचेस हैं वो लगाए गए और अब हम इसको LHB कोचेस में परिवर्तित करने जा रहे हैं। और 22 जून से इसमें जो LHB कोचेस हैं, जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोचेस हैं, वो इसमें लग जाएंगे। 5 प्रथम श्रेणी कुर्सियानों को 5 AC कुर्सियानों द्वारा बदल दिया गया, जिससे धूल मुक्त वातावरण वाले 65 अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हुए। पुराने डिब्बों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के 9 कुर्सियान में अतिरिक्त 120 सीटें उपलब्ध है। इस प्रकार पुराने रेक में उपलब्ध 1232 सीटों की तुलना में नए रेक में 1417 सीटें उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।